कहीं आपका भवन आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा, कहीं आपकी सोच को डिल्यूट तो नहीं कर रहा, कहीं आपकी सोच को कहीं और ही पार्क तो नहीं कर रहा। परभाव, परभाव, प्रभाव क्या होता है? कहीं और से आया हुआ भाव। वास्तु अध्ययन है कि ये भवन जो है ये आपको आपके भाव से, संभाव से, सहज भाव से जोड़े रखता है या कहीं बाहर से आए हुए भाव से जोड़ रहा है, इस बात का अध्ययन है वास्तु। तुम स्वयं होने की बात ही नहीं कर रहे, तुम्हें किसी के जैसा नहीं होना, तुम्हें स्वयं के जैसा होना। योग ये कहता है, योग कहता है उसके जैसा नहीं, अपने जैसा, फिर तुम कहीं पहुंच जाओगे। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या ये सारी बातें सहज भीतर से उठ के आ सकती हैं? क्या ये सारी सोच अंदर से आ सकती है? क्या तुम कोई ऐसी जगह कनेक्ट हो सकते हो जहां से तुम्हें ये सफुर्ण होने लग जाए? क्या ये संभव है? हां, ये संभव। उस जगह का निर्माण, ऐसी जगह को बना देना जहां पर व्यक्ति स्वयं से कनेक्ट हो जाए, स्वयं में बैठे हुए उस परमतत्व से कनेक्ट हो जाए, स्वयं से ऐसा कनेक्ट हो जाए कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो ईश्वर तत्व है, जो परमतत्व है, उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, अपने ही भीतर, कहीं बाहर नहीं। वैसे भवन का निर्माण करना वास्तुशास्त्र है, पर एक संकल्प लेके जाना, मुझे इसलिए इसको अच्छे से सीखना है ताकि मैं औरों को दे सकूं। जब यह भाव प्रगाढ़ हो जाता है ना कि मुझे देना है, तब कोई भी विषय आना शुरू हो जाता है। गोल्ड मेडल भी ले लिए, पढ़ लिख भी लिए, एग्जाम में भी मार्क्स बेस्ट आ गए, परंतु जीवन से संतुष्टि हट जाती है। मार्क्स आना, गोल्ड मेडल मिलने का जीवन में सफल, सुखी, समृद्ध होने से कोई लेना देना नहीं। ये अलग अलग मामला है, और ये जो मामला है मैं आपको देके भेजूंगा कि कैसे कनेक्ट करें खुद से, कैसे जो डिस्ट्रैक्टेड है उसको कनेक्ट करें उससे। हम माध्यम नहीं बनते हैं, यह विधा ऐसी है, इसमें हम मीडियम नहीं बनते हैं, इसमें हम स्वयं सोर्स हो जाते हैं सामने वाले का, और वो बनना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है तो खुदाई होती है। शब्दों पर ध्यान देना, खुदाई करनी पड़ती है तो खुदाई होती है। अंतर है सिर्फ एक नुक्ते का, खा के पैर में अगर बिंदी लग गई तो खुदाई होगी ईश्वरीय कृपा, और अगर बिंदी नहीं लगी तो खुदाई हो गई खोदा खादी पल्ले रह जाती है, फिर वो खुदाई नहीं होती। और ये सिर्फ एक डॉट लगता है, एक बिंदु लगता है, और जितनी खुदाई तुमने जीवन में करी थी वो ईश्वरीय कृपा में कन्वर्ट हो जाती है। ये साधना का विषय है।